Now let's see exercise 5.2, page number 68. 5.2 यहाँ पे देखिए दिया गया है, पेज नंबर 68 पे राइट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, फिर राइट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, राइट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का ए यहाँ पे दिया है 40, 41 सभी नंबर का फैक्टर है, सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, और अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते तो डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा कहीं, फिर उसके बाद फैक्टर्स को लिखिएगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। अब इसमें देखिए 40, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, 20 से होगा, और उसके बाद फिर 40 से होगा। ये सभी नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर, यही नंबर हैं जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, यही इतने नंबर हैं जो 40 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, ए बुक में फिल करना है, कह रहा चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, इफ यस पुट ए टिक राइट और एल्स फॉल्स, मीन्स बट पुट अ क्रॉस। फर्स्ट नंबर सेकंड का फैक्टर है, फर्स्ट नंबर से सेकंड को डिवाइड करिएगा, अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो फैक्टर है। 560 का फैक्टर है, बिल्कुल सही, ये फैक्टर है, डिवाइड हो जाएगा। 315 का फैक्टर है, है। 972 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 836 का है, नहीं, 8 से 36 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। 632 का है, नहीं है। 322 का है, नहीं है। 763 का है, बिल्कुल है। इधर देखिए 7 से 63 को डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो फैक्टर है। 4 से 34 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, नहीं होगा, फैक्टर नहीं है। 666 का है, 448 का है, बिल्कुल। 273 का है, नहीं है। 991 का है, नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेंगे, देख लीजिए। थर्ड वाला देखिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन मेथड, मीन्स डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इधर देखिए, इस तरीके से डिवाइड करके कह रहे हैं कि इसको चेक करिएगा कि फैक्टर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे 24 का यहाँ पे दिए ना, 24 से 1 को डिवाइड किए 24 आया, 24 से 4 को डिवाइड, 24 से डिवाइड किए 1 आया। तो आप इतना इसमें मत करिए इधर उधर, ठीक है, आप पहले इसके फैक्टर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है, मींस अगर जैसे 1 इसका फैक्टर है 32 का, यहाँ पे देखिए 32 के फैक्टर लिखिएगा क्या है, 32 का फैक्टर 32 1 जा 32 आएगा, फिर 16 2 जा 32 आएगा। ठीक है, तो 32 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 32 आएगा। ठीक है, 32 को देखिए 2 से डिवाइड करें यहाँ पे, ठीक है, तो 16 आएगा। मींस कहने का मतलब, अगर देखो
इससे डिवाइड कर रहे हैं टू से एग्जैक्टली, ये 16 आएगा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीजन का तरीका हो गया, मीन्स टू से डिवाइड किए 16, टू और 16 दोनों फैक्टर है ना, 16 टू जा 32, यही है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, समझ गए। तो इसको सॉल्व करिएगा, होमवर्क नोट करिए। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।